नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। आज का जमाना टेक्निक का है और जो टेक्निक को लेकर तेज तर्रार होगा वो विजेता होगा, क्योंकि अगर आप नए जनरेशन के हथियार से पिछड़े तो आप पीछे रह जाएंगे। ऐसे में भारत अपने पड़ोसियों को देखते हुए नए जमाने के साथ चलने के लिए तैयार है। क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। ये तो आप जानते हैं कि भारत अपने पड़ोसी दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए हमेशा तैयार रहने को लेकर सतर्क रहता है। तभी तो S-400 राफेल, स्कॉर्पियन पनडुब्बी और नए नए हथियार ले रहे या फिर बना रहा है। और रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो भारत खुद भी और दूसरे देशों से भी खतरनाक से खतरनाक हथियार खरीद रहा है या अपने पुराने हथियारों को नया कर रहा है। उसी कड़ी में सरकार की तरफ से अब यह खबर आई है कि तेजस को नए हथियारों के साथ लैस किया जाएगा और फ्यूजर के नए हथियार लगेंगे, जिससे दुश्मन आने से पहले 100 बार सोचेगा। आप जानते हैं कि सीमा को मजबूत करने के लिए टोही विमान, साजो सामान पहुंचाने वाले चिनू और ब्रह्मोस तो पनडुब्बी हथियार खरीद रहा है। उसी कड़ी में अब तेजस को खतरनाक बनाया जा रहा है। खबरों की माने तो दुश्मन के हथियारों से बचने और उनकी पूर्व सूचना देने वाले सेंसर्स की जरूरत है, इसलिए एडीए इन हथियारों और सेंसर्स को बनाएगा या फिर खरीदेगा, ताकि वायुसेना समय रहते इन सेंसर्स, वेपन इंटीग्रेशन, फ्लाइट टेस्टिंग करने के बाद तेजस को खतरनाक बना सके। रक्षा मामलों की जानकारों की माने तो तेजस में रुद्रम मिसाइल लगाई जाएगी। इस मिसाइल की खासियत ये है कि सटीक और तेज गति की हवा से सतह पर ये मार कर सकती है। इस मिसाइल के 3 वेरिएंट हैं, रुद्रम 1, रुद्रम 2 और रुद्रम 3। इस मिसाइल की लंबाई 18 फीट है। इस मिसाइल का वजन अलग अलग होता है। रक्षा मामलों की जानकारों की माने तो रुद्रम 1 अधिकतम 55 किलो का होता है। इसके साथ ही साथ इस खतरनाक लड़ाकू विमान पर ब्रह्मोस की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल भी तैनात की जाएगी, जिसकी रेंज 290 किलोमीटर है। इस मिसाइल का भार करीब 1.5 टन है। इसकी एक और खासियत यह है कि इसे दागो और भूल जाओ तकनीक पर विकसित की गई है। इसके कई वेरिएंट हैं, जिन्हें जमीन, पानी और हवा से दागा जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि तेजस नई जनरेशन की ताकत पाकर कितना खतरनाक हो जाएगा, और इसका असर पाकिस्तान और चीन पर दिख रहा है। देखना होगा कि तेजस कब तक खतरनाक बन पाता है। आपको ये खबर कैसी लगी, उस पर अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।